ग्राम पंचायत नन्नड़ के बलोखल में रास्ते में खड़ी गाड़ी को हटाने को लेकर 70 वर्षीय महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। 70 वर्षीय महिला ने स्थानीय उप प्रधान पर कपड़े फाड़ने व मारपीट करने का आरोप लगाया है। ये मामला दरअसल 17 जून रात 12 बजे का है, जब सत्या देवी के साथ वाले घर में शादी का प्रोग्राम चल रहा था और तभी सत्या देवी के बेटे ने डीजे वाले को डीजे बंद करने को कहा, क्योंकि सत्या देवी के बेटे ने वहां अपनी गाड़ी पार्क करनी थी, लेकिन डीजे वाले ने 12 बजे के बाद भी डीजे बंद नहीं किया और सत्यदेवी के बेटे को जान से मारने की धमकी दे डाली और कहा कि अगर यहां गाड़ी खड़ी की तो आग लगा देंगे। वहीं आज सत्यादेवी ने एसपी हमीरपुर से मिलकर अपनी आपबीती सुनाई और न्यायिक की गुहार लगाई। वहीं मौके पर स्थानीय उप प्रधान विक्रम शर्मा ने वहां आकर सत्यादेवी के बेटे को थप्पड़ जड़ दिए। जब सत्यादेवी ने उन्हें छुड़ाने का प्रयास किया तो उप प्रधान विक्रम शर्मा ने सत्यादेवी के कपड़े फाड़ दिए और मारपीट भी की और फिर खुद ही पुलिस में मामला दर्ज करवाया। सत्यादेवी ने बताया कि पड़ोस में शादी हो रही थी और डीजे वाले ने रास्ते में गाड़ी लगाई थी, जिस पर डीजे वाले युवक को गाड़ी हटाने के लिए कहा गया तो युवक मारपीट पर उतर आया। उन्होंने कहा कि इतने में उप प्रधान मौके पर आ गया, मैं अपने बेटे को छुड़ाने का प्रयास कर रही थी जिसमें उप प्रधान ने मेरे साथ भी मारपीट की और मेरे कपड़े तक फाड़ दिए। उन्होंने बताया कि उनको उप प्रधान से जान का खतरा है, इसीलिए वो आज एसपी हमीरपुर से मिली और न्याय की गुहार लगाई। तू अपनी गड्डिया ढड्डी लै कने हाँ भाई अपन गड्डिया ला इन्हें बोलिया वहां गड्डिया अग ला दे कने कभी अहें बोलिया भाई हाँ तू ढड्डी लैने कि गड्डी डीजे ढड्डे कने प्रधान प्रधान बिकी निकलिया अंदर ते कने से मारपीट ले गया करने मोटू बोझ कभी हम छुड़वाने लगी पति ने मेरे कपड़े पाड़ी से कने मारपीट नहीं जो ले गया करने हम तो फिर ही गोली छुड़वाई। क्या मांग क्या करा है, क्या चांद दे तुम आहेरे चांद दे भाई यहां मुकदमा रखना देखने सरकार हो गए हां बड़ी मेरे कना जवान लड़का मेरी मेरा ये रही एक लड़का है स्कूल आ जा हम जो प्रधान रखा तरह के मरवाई कने आहा कमतिया दे आ बोला मैं छतिया बच्चा हम जो कने बोला आ जा तब जी जो प्रधान की दस्ती नहीं होता। वहीं पंचायत प्रधान ईश्वरी देवी ने बताया कि पीड़ित परिवार रात 12:30 बजे मेरे पास आए और उस समय सत्यादेवी के कपड़े फटे हुए थे और उन्होंने मेरे पास अपनी शिकायत दर्ज करवाई। उसके बाद सुबह शिकायत थाना बस्ती को फॉरवर्ड कर दी गई, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि उप प्रधान ने पूरे गांव का माहौल खराब कर रखा है और मारपीट करना आम बात हो गई है, जिससे कि गांव में डर का माहौल बना हुआ है। जो डीजे लगा हुआ था इन्होंने बोला अभी हमने गाड़ियां लगानी है, ये करते हैं रेता बजरी का काम और इनकी 2-3 गाड़ियां हैं, ट्रैक्टर है, एक टिप्पर है इनका। तो वो जो था टिप्पर इस वाला अपना डीजे वाला लड़का, उसका ऑटो लगा हुआ था वहाँ, और उसको बोला है ना भाई आप साइड में करो, तो जो प्रधान हाँ फिर हुआ ऐसे ही इन्होंने बोला भाई वो डीजे वाला जो है वो भी बढ़ गया और उसने बोला भाई आपकी गाड़ियों को आग लगा देंगे जला देंगे। मैंने बोला कोई बात नहीं सुबह करते हैं बात इनसे, और उसके बाद जो है तो ये सुबह ले गए एप्लीकेशन, जब ये थाने में चलेंगे तो हमने थाने जाना, जब ये थाने में गए और थोड़ी देर के बाद थाना वहाँ पहुँच जाता तो वो विक्रम जी का लेके भेजी हमने एप्लीकेशन विक्रम की आई और आप जमानती देखो। इन्हें बोले कोई बात नहीं पर किस चीज़ की जमानत, मारा भी हमें और रूटा हमें इल्जाम लगा रहे भाई। और उसके बाद जब ये वहाँ से चले गए तो वो प्रधान मुझे लगा बोलने वे आपने क्यों की फॉरवर्ड एप्लीकेशन थाने को, जुआ शराबी हर तरफ से कमजोर नहीं है, एक ब्लोकरी काम जो है इतना खतरा बना हुआ, महिलाओं को मारपीट शराब पी के जाना और दिन दहाड़े शराब। अगर हम प्रधान वो प्रधान अगर पब्लिक को नहीं हम गाइड कर सकते हैं, किसको समझा नहीं सकते, तो हम काय के प्रधान है। अब यहाँ किससे मिलने आए आप? हम एसपी के पास चले हैं, हमने एसपी के पास जाना है, इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और जब हम यहाँ पहुँच गए तो थाना से फोन आए कि इनको लेके आ जाओ आप और आपका भी मुकदमा दे देते हैं।